हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के बारे में ही, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में। यानी हम बात कर रहे थे मेंटल फटीग के बारे में। हमने बात की थी कि मेंटल फटीग आपका होता क्या है, या हम कह सकते हैं कि मेंटल फटीग के क्या क्या रीज़न हो सकते थे, या टाइप्स ऑफ मेंटल फटीग हमने पढ़े थे। आज हम उसी के आगे उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम मेंटल फटीग का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसे किसी सब्जेक्ट पर हम कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज़ें आज हम उन चीज़ों के बारे में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे हमें पता है कि हमने अलग अलग आपके जैसे भी एक्सपेरिमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे थे या हम टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो जब भी हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हम उस एक्सपेरिमेंट का नाम लिखते हैं, यानी वो जो भी एक्सपेरिमेंट हो। जैसे यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट है आपका मेंटल फटीग, तो हमने यहाँ पर नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में लिखा है मेंटल फटीग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ हम लिखते हैं एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, कि किसी भी आपका जो सब्जेक्ट है उसका हम मेंटल फटीग कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी फटीग आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिज़िकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, या हमने बात की थी मेंटल या फिज़िकल बोथ हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, या हम क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम कह सकते हैं कि हम एक अपने सब्जेक्ट का मेंटल फटीग चेक करेंगे बाय दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जिस भी सब्जेक्ट पर आप वो चीज़ एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं या कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका हम यहाँ पर ब्रीफ, उसके बारे में कुछ डिटेलिंग लिखते हैं। देन आपका जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी जो आपका एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है उसका भी यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, यानी आप अपनी यहाँ पर डिटेलिंग लिखेंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे कि मटेरियल क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड हो सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच भी चाहिए होगी, मल्टीप्लिकेशन जो आपका चार्ट है विवेक भार्गव का वो भी आपको यहाँ पर नीड है उसकी। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, जो मेन है, जो आपको सब्जेक्ट को बताना है। यानी हमें क्या है, आपको जैसे पता है कि मेंटल फटीग में एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट दिया जाता है, यानी एक इन्वेंट्री आपको दी जाती है, जिसमें क्या है कि आपके अलग अलग मल्टीप्लिकेशन लेवल पे नंबर्स दिए होते हैं। नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे 8 हो गया, 3 है, 5, 7, 9, ऐसे सीरीज़ में क्या है वो सारे नंबर दिए गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इसे करना कैसे है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड नंबर को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, उससे जो भी आंसर आए। जैसे अगर हम बात करें, हमने 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 24। देन हमें 24 से क्या करना है, यानी जो वंस की डिजिट होगी हमारी जो वंस की डिजिट होगी उससे हमें क्या करना है कि अब जैसे यहाँ पर वंस की डिजिट यानी इकाई की संख्या क्या है, 4 है, तो अब हमें क्या करना है, इस 4 से फिर से जो तीसरा नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आता है उसके इकाई के नंबर या वंस के नंबर से हमें चौथे नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी ऐसे हमें करते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे ही ये पूरा प्रोसेस आपका बेसिकली 1.5 घंटे का होगा, तो अब हमें क्या करना है, जैसे आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे इंस्ट्रक्ट कर देना है कि जैसे ही मैं स्टार्ट आपसे कहूँगी तो आपको स्टार्ट कर देना है, यानी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देना है, और हर 2 मिनट पर आपको ये ध्यान रखना है स्टॉप वॉच लेते हुए कि हर 2 मिनट में आपको क्या करना है, स्टॉप कहना है। लेकिन सब्जेक्ट को हमें ये बताना है कि उसे स्टॉप नहीं करना है, केवल क्या है, जहाँ पर भी वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है जिस भी नंबर्स पे, वहाँ पर एक डॉट का साइन लगाएगा और वो मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करता रहेगा। यानी स्टॉप का मतलब ये होगा कि हम जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वहाँ पर स्टॉप का एक फुल स्टॉप का साइन लगाएंगे और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। ऐसा हमें 30 मिनट्स तक करना है, यानी हर 2 मिनट के बाद उसे स्टॉप का डायरेक्शन देना है और वो क्या है, वो कंटिन्यू करता जाएगा। ऐसा हमें कुल मिलाकर 30 मिनट्स तक करना है। इस तरह से करते हुए हमें क्या मिल जाएंगे, 15 ट्रायल मिल जाते हैं उसके। अब
यानी हमें ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट को बतानी है कि कैसे उसे एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अगर हम इंस्ट्रक्शन उसे सही से नहीं देंगे तो बेसिकली हमें क्या होगा कि हम उसका मेंटल फटीग या मेंटल लेवल पे उसकी जो भी थकान है उसके बारे में सही से पता नहीं लगा सकते। तो इन सारी जानकारियों को बताना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यानी अब आपके 15 ट्रायल आ जाएंगे इस तरह से। जैसे अगर हम देख लें, यहाँ पर एक रिज़ल्ट टेबल बनाई गई है जहाँ पे ट्रायल नंबर लिखे गए हैं 1 to 15, यानी 30 मिनट्स में जो भी हमने उसके जो उसने 15 ट्रायल किए थे, यानी जो भी स्टॉप लगाए थे उसने हर जगह, वो हमने क्या काउंट कर लिए, उसके 15 काउंट कर लिए और उसको एज हमने लिया 15 ट्रायल पे। अब उसने जो जो मल्टीप्लिकेशन किए थे हर ट्रायल पे, वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हमने यहाँ पर एरर्स भी लिख लिए, यानी हर एक मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अगर उसने कोई गलती की है, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर नहीं किया, या जो आपकी 2 डिजिट थी उसमें वंस की संख्या से फिर से मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो उसे एज अ एरर हमें वहाँ पर काउंट करना है। अब यहाँ पर लास्ट कॉलम दिया गया है मल्टीप्लिकेशन एरर। अब हमें क्या करना है, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल है उससे आपको एरर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे अगर हम यहाँ पर आप थर्ड नंबर पे देखें तो 25 में से हमने एक एरर माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 24। यानी इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन एरर को भी यहाँ पर काउंट करके लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, इन 15 ट्रायल में से पहले 3 ट्रायल हमें काउंट करने हैं और लास्ट 3 आपके ट्रायल हम काउंट करेंगे उसके लिए। और प्लस हमें क्या करना है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उसको हमें कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पर। और अब हमें एक फॉर्मूला है आपका मेंटल फटीग कोफिशियंट का, उसमें ये चीज़ें पुट ऑन कर देनी, यानी जो आपकी डिजिट आपने यहाँ पर लिया है, यानी हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट जो आपके 3 ट्रायल हैं उनको T1, T2 या T3 लिख सकते हैं, और लास्ट के हमारे जो भी 3 ट्रायल हैं उनको आप नंबर बेसिस पे भी लिख सकते हो, T13, T14 या T15 हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मेंटल फटीग का आपका कोफिशियंट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं और आपका आंसर निकाल सकते हैं। प्लस हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट अपना करते हैं, आपको पता है कि इसमें ग्राफ भी आपका बनेगा, ग्राफ भी किस तरह से बनना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स और रॉ स्कोर को लेकर, यानी रॉ स्कोर प्लस नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके एक्स एक्सिस पे रहेंगे और रॉ स्कोर आपके वाई एक्सिस पे रहेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 अलग अलग हमारे यहाँ पर ग्राफ बनेंगे जैसा आपको क्लास में बताया गया था, उन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायल और रॉ स्कोर के आधार पर यहाँ अपने ग्राफ को बनाना है। इसी तरह हमें क्या कर लेना है, फर्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे, देन हमें सेकंड ग्राफ बनाना है, देन थर्ड ग्राफ भी आप ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यानी जो हमारे 15 ट्रायल अलग अलग हमने किए थे, यानी बच्चे ने हर 2-2 मिनट के बाद जहाँ पर भी फुल स्टॉप का साइन लगाया था उसे एज अ हमने माना था आपका फर्स्ट ट्रायल, देन सेकंड, देन फोर्थ, ऐसे ही 30 मिनट्स तक हमने ये चीज़ें की थी और उसके 15 ट्रायल हमने आपके ऑब्जर्व किए थे। उन्हीं के बेसिस पर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं या इलेबरेशन कर सकते हैं कि फर्स्ट ट्रायल में बच्चे ने क्या है, कोई एरर नहीं की थी और वो कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा था। सेकेंड में भी उसने क्या है, कोई वो नहीं किया, अगर 27 मार्क्स थे तो उसने 27 आउट ऑफ अपने लिए। इसी तरह करते करते हमने देखा कि पहले या दूसरे, तीसरे, चौथे में तो बच्चा गलती नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन वो करता जा रहा था और टाइम बढ़ता जा रहा था, तो अब क्या हो रहा था, उसे कुछ मानसिक थकान हो रही थी जिससे उसने गलतियां करना शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक ट्रायल के बेसिस पे बच्चे ने जैसा मार्क्स ऑब्टेन किए या उसने कोई गलती की, वो हम क्या करेंगे, 1 to 15 यहाँ पर वो सारी ट्रायल के बेसिस पर लिख लेंगे। अब हम कह सकते हैं इसका रिज़ल्ट हम क्या लिखेंगे, यानी अब हम रिज़ल्ट लिख सकते हैं, यानी हर एक बच्चे का मेंटल फटीग का लेवल अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चा हो सकता है कि उसने थर्ड या फोर्थ ट्रायल के बाद ही उसने गलतियां करना शुरू कर दी हूँ, या हम कह सकते हैं कुछ बच्चे हों जिसने और आगे तक ट्रायल किए हों फिर उसके बाद गलतियाँ की हूँ। तो हम कह सकते हैं कि इस बेसिस पर हम किसी भी बच्चे का मेंटल फटीग का लेवल
जान सकते हैं या पता कर सकते हैं कि उसकी मानसिक थकान किस स्तर पर आने पर वो क्या करने लगता है, थकने लगता है या वो और ज़्यादा गलतियाँ करने लगता है। तो अगर हम कह सकते हैं, इसी बेसिस पर इसका हम कंक्लूज़न लिख सकते हैं, अगर एजुकेशनल इम्प्लिकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भी बच्चे की अगर मेंटल फटीग जो भी चीज़ें अगर वो हम कम करना चाहें कि बच्चा क्या करे, जो मानसिक थकान है उसकी अगर उसे हम कम करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को रात में प्रॉपर सोना चाहिए, जिससे वो सुबह अपने स्कूल या क्लास में जाए तो जो भी एक्टिविटी, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो चाहे अन्य गतिविधियां वो स्कूल में करता है, तो वो क्या होगा, उसको मानसिक थकान कम होगी, क्योंकि उसने अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता है, प्रॉपर डाइट ले रहा है अपनी या प्रॉपर स्लीप ले रहा है, तो कह सकते हैं कि बच्चा मोर एक्टिव होगा, चाहे वो आपकी मेंटल चीज़ें हों। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता लगाया कि बच्चे की मानसिक थकान किस लेवल पर हो सकती है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज हमने मेंटल फटीग के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से हम उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, चाहे उसके स्टेप हों चाहे ग्राफ हों, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। तो मेंटल फटीग के बारे में हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में भी जान लिया, और आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में भी हमने जाना, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। थैंक यू क्लास।